छोटे बहनों को प्यार, छोटे बहनों को प्यार, भाइयों को भी मेरा प्यार। देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे आपका। मेरा नाम प्रभात कुमार चंद्रवंशी है और अभी देश का सबसे बड़ा समस्या क्या है? मक्का। तो ये जो बेरोजगारी है देश का सबसे बड़ा समस्या है और युवाओं की जरूरत है ना। इस विषय को लेकर देश के राजनेता सड़क पे उतरे हैं क्या? नहीं उतरे। हम आपके लिए सड़क पे उतरे हैं और उसका हमने नाम दिया है बेरोजगारों हल्ला बोल। आप में से किसी ने सुना है बेरोजगारों हल्ला बोल? कितने लोग आप बताइए? आप लोगों ने सुना है? कम लोगों ने सुना है। ये मेरी गलती है, आपके बीच में हम आए नहीं और ये तकरीबन 15-16-17 दिनों से चल रहा है। पटना विश्वविद्यालय के जस्ट सामने मुख्य द्वार पे हमने 10 दिन का अनशन किया। अलग अलग तरीके से हमने प्रदर्शन भी किया और वहां पे बैठने के बाद हम कैंपेन नहीं कर पा रहे थे। हाथ उठाने की बात हुई थी, जो एक्टिव लोग हैं वो जा रहे हैं को नहीं पता, तो इसलिए हमने वो ब्रेक मारा और मुझे डोर टू हर कोचिंग पर हेलो तो कैंपेन करने का मौका नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो मैंने ब्रेक मारा। 14 मार्च को राजभवन मार्च करेंगे हम लोग और बेरोजगारी के सवाल को लेकर, बेरोजगारों राजभवन मार्च उसका नाम है। क्या आप लोग साथ दोगे हमारा? नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। देखो आप लड़ोगे नहीं तो आपको आपका अधिकार नहीं। इतिहास प्रमाण है, स्टूडेंट ने अपने अधिकार के लिए लड़ा कॉलेज संस्थानों में, महिलाओं ने अपने अधिकार सम्मान के लिए लड़ा, किसानों ने लड़ा, जो अनपढ़ वर्ग होते हैं मजदूर वो भी अपने अधिकार के लिए देश को बंद कर देते हैं और अंततः उन्हें जो चाहिए मिलता है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा संख्या युवाओं का है और 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का नंबर वन बेरोजगार देश भारत बना है। ये शर्मिंदगी की बात है और ये देश का एक नुकसान हो रहा है। एक पढ़ा लिखा वर्ग आखिर करेगा क्या? अगर रोजगार नहीं मिला तो क्षणिक अगर वैकेंसी आता है तो हर किसी के विद्वान होता है कि यार सेटिंग तो नहीं हो रहा है, हर किसी को लगता सेटिंग होगा ही होगा। जो मेधावी है, जो उनके अंदर भी निराशा जगता है कि भाई पढ़ लिख भी रहे लेकिन सेटिंग हो ही जा रहा है तो पढ़ाई क्यों करें, ठीक है नहीं? तो आखिर इसके लिए सबसे खड़ा कौन होगा? आप लोगों को खड़ा होना होगा बेरोजगार हल्ला बोल के माध्यम से। और नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, 14 मार्च को राजभवन मार्च करेंगे और आम स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे, अपनी शक्ति नहीं दिखाओगे तो चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उस पर दबाव नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में चाहे जिनकी भी सरकार आए, ये अगर मूवमेंट खड़ा होगा तो जिनकी भी सरकार बनेगी, चाहे वर्तमान में जो है वो आए या फिर कोई और आए, तो एक प्रेशर पे वो लोग रहेंगे कि भाई अगर हम रोजगार नहीं देते हैं तो फिर से एक बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन ऐसा होना चाहिए कि देश पूरा हिले। और पटना से यह आंदोलन खड़ा किए हैं, हम चाहते हैं कि यह मूवमेंट ऐसा खड़ा हो कि पूरा देश में क्रांति फैले। एसएससी का अगर आता है सवाल तो एसएससी के जो लोग फॉर्म भरते हैं वो आंदोलन में कूद जाते हैं। अभी ग्रुप डी का आया है तो ग्रुप डी वाले ही सिर्फ आंदोलन करेंगे। यूपीएससी में कटौती किया गया है और भी जो समस्या आप समझ सकते हैं तो सिर्फ यूपीएससी के लोग करेंगे। तो विद्यार्थी भी अलग अलग पार्ट में बढ़ जा रहे हैं, यूनाइट नहीं हो पा रहा। देखिए देश के अंदर जब बेरोजगारी बड़ा सवाल उठकर आया तो सत्ताधारी लोगों ने हमें बांटने का काम किया। बीच में आरक्षण को लाकर 10% 15%, अब आपस में हम बात कर रहे हैं आरक्षण होना चाहिए
वो वह नहीं होना चाहिए। और जो यही बात है, आप बोले होना चाहिए, कुछ लोग बोले नहीं होना चाहिए, और जो एनर्जी है हमारा वो इसमें बर्बाद हो जा रहा है। हम जो बात कर रहे थे चौक चौराहा पे सोशल मीडिया के माध्यम से कि देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ गया है, वो बिल्कुल गौन हो गया। कैसे गौन हो गया? आरक्षण को लेकर। कैसे गौन हो गया? सेना का सब्जेक्ट आ गया, गौन हो गया। तो अलग अलग कारण से इस मुद्दे को कहीं ना कहीं दबाया गया, और हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को अगतः लास्ट में अब एक मूवमेंट बने बेरोजगार हल्ला बोल के माध्यम से, और सरकार के कान तक ना सिर्फ ये आवाज जाए बल्कि सत्ता को हिला दे। क्या आप लोग तैयार हो सत्ता को हिलाने के लिए? प्लीज आप लोग सपोर्ट करो, पार्टिसिपेट करो, ये आपकी लड़ाई है, आप स्टूडेंट की लड़ाई है, बिल्कुल नॉनपॉलिटिकल है। जिन लोगों के पास ये कॉम्प्लीट नहीं पहुंचा होगा वो एक दूसरे को पास कर देंगे, क्योंकि ये जो मूवमेंट खड़ा हम कर रहे हैं ना तो किसी इंस्टीट्यूट से हमने सहयोग राशि लिया है, ना ही हमने आपसे लिया है, सब कुछ हम अपना कर रहे हैं। तो एक दूसरे को सहयोग करना है, व्हाट्सएप पे इसको डालो, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाओ। सिस्टर आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज पार्टिसिपेट करो। ये मत सोचना कि हम लड़की हैं नहीं आएंगे, वैकेंसी आता है तो आप फॉर्म भरते हो, उसके बाद निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा जॉब आप ले रहे हो आज की तारीख में। तो आप लोगों को इस लड़ाई में आगे आना होगा, और आप जब आओगे मूवमेंट बनेगा। हमारी लड़की लड़का सब मिलकर आंदोलन कर रहा है, बेरोजगार लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है? नहीं, किन्हीं का कोई छोटा मोटा सवाल? थैंक यू सर।